जय श्री राधे। वेलकम टू माय चैनल गृहिणी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। राधा माँ की कृपा से आप लोग बहुत अच्छी होंगे। वैसा का मास चल रहा है और सब लोग बताते हैं ये कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, बहुत से उपाय बताते हैं, ये पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ इतनी अधिक व्यस्त होती, इतनी बिजी होती है कि हम वो सारे नियम नहीं कर पाते हैं। करने की इच्छा तो बहुत होती है लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी समय की व्यस्तता होती है, बिजी होते हैं, तब भी हम लोग ये काम नहीं कर पाते। तो आज हम आपके लिए बहुत ही छोटे से उपाय लेके आए हैं वैशाख माह से संबंधित, जिससे भगवान श्री हरि की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि वैशाख माह एक बहुत ही पवित्र महीना होता है, जैसे कार्तिक और माघ का महीना होता है, उसी तरह से वैशाख मास भी बहुत ही पवित्र महीना होता है भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे श्री हरि की कृपा हमारे पर बनी रहे? क्योंकि रोज ही कोई ना कोई व्रत होते, उपवास होते हैं, आजकल सबकी बड़ी बिजी लाइफ है और हम वो सब नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें कि हम सुबह सुबह ही जल्दी से वो काम कर लें और पूरे दिन के लिए हम अपना काम पे भी चले जाएँ और हमारे को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और भगवान की कृपा दृष्टि भी हमारे पर सदैव बनी रहे, हमारे घर पर वाले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज़ आप इसको अवश्य किया कीजिए। तो आज हम जानेंगे वैशाख महीने में ऐसे कौन से हमें काम करने चाहिए जिससे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर पर बनी रहे। अगर आप माँ लक्ष्मी चाहते हैं कि आपके घर में सदैव रहे तो आपको ये छोटे से उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा सदैव बनी रहेगी, आपके घर आपके परिवार पे सदैव रहेगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए? वैशाख मास की परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी पूजा से मिलता है कई यज्ञों का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान दान व्रत उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए हमको पीपल और तुलसी की दोनों की पूजा करनी चाहिए। वैशाख महीने में भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष पूजा करने की भी परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान के परशुराम, नरसिंह, कर्मो और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है, साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक लगाया जाता है। पीपल पूजा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिला के पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती और वृत तृप्त हो जाते हैं। तुलसी पूजा दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल में से थोड़ा सा खुद पिए और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य सब पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जल दान से कई यज्ञों और तीर्थों का फल मिलता है, क्योंकि इस महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप राहगीरों को जल पिला रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पे मंदिरों के पास में या यूँ भी लोग शरबत का वितरण करते रहते हैं और जल के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, तो उसका एक कारण यही है क्योंकि वैशाख के मास में जल दान सबसे बड़ा दान के रूप में माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख महीने में तीर्थ स्नान और दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने में जल दान करने से मिल जाता है। इसलिए इस महीने में तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। इससे हमको अक्षत फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो आप भी ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए।
एकादशी से संबंधित व्रत कथा मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप उस कथा का श्रवण कीजिए और पूजा कीजिए। अगर आप नहीं भी करते तब भी इन कथाओं का हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा समय हमें भगवान के लिए भी रखना चाहिए और अपने लिए तो हम लोग सारा दिन ही रखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। जय माता दी, जय लक्ष्मी माता दी।